नमस्ते, मैं हूं किशोर रंजाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का बड़ी खबर आ रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट से जुड़ी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजर जाने के 12 दिन बाद एक बार फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पिछले कुछ दिनों से ही हो रही मूसलाधार बारिश से इन राज्यों में पहले ही हाहाकार मचा हुआ है और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर इन राज्यों में आसमान से आफत बरसने का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। यानी गुजरात के लिए आने वाले कुछ दिन भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बारिश ने अभी से हालात बिगाड़ कर रखे हैं। वहां छतरपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पानी के तेज बहाव की वजह से एक आदमी नदी में बह गया। बताया गया कि वो आदमी तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज लहरों के बीच वो खुद को संभाल नहीं पाया और लहरों के साथ बहता चला गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी नदी पार करने की कोशिश के दौरान लड़खड़ाता हुआ नजर आया। उस आदमी को मुसीबत में देखकर वहां मौजूद 3 लड़के उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए और उसे पकड़कर नदी से बाहर लाने लगे। वो नदी से बाहर आने ही वाले थे कि तभी अचानक उस आदमी का हाथ उनके हाथ से छूट गया और वो लहरों के साथ बहता चला गया। उन लड़कों ने उसे खींचने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसे बचा नहीं पाए। उधर राजस्थान के जोधपुर में भी बारिश की वजह से कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि जिधर भी नजरें गईं उधर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। जोधपुर शहर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सड़कों पर बारिश का पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। पानी से भरी सड़कों पर कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां आधी डूबी दिखाई दी। यही नहीं, सड़कों पर बह रहे पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। वहीं कमर तक भरे पानी से वहां की कई गलियां तालाब में बदल गईं, जिसकी वजह से लोगों के साथ जानवरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही भारी बारिश से वहां मौजूद एक पुलिस चौकी में पानी भर गया, जिसकी वजह से जवान सड़क पर आने को मजबूर हो गए। उधर राजस्थान के टोंक में भी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि नालों का पानी सड़कों और मकानों में घुस गया। पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे सड़कों के किनारे बनी दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिसकी वजह से उनमें रखा लाखों का सामान भीग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। इसी वजह से लोग उन रास्तों से गुजरने के बजाय लौटते दिखाई दिए। वहीं भारी बारिश से वहां की एक सड़क में दरारें पड़ गईं, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही एक ट्रॉली का पहिया मिट्टी में धंस गया, जिससे उसमें मौजूद मिट्टी सड़क पर फैल गई। इस बीच तूफान बिपरजॉय के बाद एक बार फिर गुजरात के कई जिलों पर आसमानी आफत का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकराया था, जिसने समंदर के किनारे मौजूद गुजरात के कई जिलों में तबाही मचा दी थी। द्वारका, कच्छ और जूनागढ़ में तो तूफानी हवाओं और भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया था, लेकिन गुजरात के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य पर आसमानी आफत का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने वलसाड के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जबकि सूरत, तापी और डांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मतलब इन इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। बिपरजॉय तूफान से हुई बारिश से कच्छ के 4 और सौराष्ट्र इलाके के 2 जलाशय लबालब हैं। ऐसे में अगर आसमान से और पानी बरसा तो ये जलाशय ओवरफ्लो हो जाएंगे, जिससे वहां बाढ़ आ सकती है। वहीं गुजरात के खेड़ा जिले के कनडियाद शहर कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश से बेहाल हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि शहर के कुछ इलाकों में बारिश का पानी लोगों की कमर तक भर गया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे शहर में सैलाब आ गया हो। नडियाद शहर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक अंडरपास बारिश के पानी से भरा दिखाई दिया। पानी भरने से अंडरपास में एक स्कूटर बंद हो गया, जिसे एक आदमी धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता दिखा। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में अंडरपास के पास एक ऑटो बंद हो गया, जिसे उसका ड्राइवर धक्का देकर पीछे की तरफ धकेलता दिखा। शहर के दूसरे इलाकों में भी बारिश के पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। सड़कों से बड़ी गाड़ियां तो निकल गईं, लेकिन पैदल चलने वालों की मुसीबतें बढ़ गईं। एक इलाके में सड़क पर खड़ी एक बाइक तो पानी में पूरी तरह डूबी दिखी। इधर भारी बारिश को देखते हुए हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी के पास आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही प्रशासन ने इस नदी के किनारे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाने का फैसला लिया और साफ कर दिया कि इस आदेश को न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले भारी बारिश की वजह से एक कार फिसलकर नदी की तेज लहरों में फंस गई। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी कुछ लोगों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और मोटी रस्सी के सहारे किसी तरह उस कार तक पहुंच गए। इस दौरान पानी के तेज बहाव ने कई बार उन लोगों को बहा ले जाने की कोशिश की। हालांकि उन लोगों ने दिलेरी दिखाई और लहरों के बीच फंसी उस कार से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और घग्गर नदी के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि बारिश की वजह से फिर से ऐसी घटना न हो।
उधर हिमाचल प्रदेश भी भारी बारिश से बुरी तरह हिल गया। राज्य में इतनी बर्बादी इसलिए हुई क्योंकि वहां इस महीने रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जून में सामान्य से 29% ज्यादा बरसात हुई, जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, न हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग और न ही वहां घूमने पहुंचे पर्यटक, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जून के इस महीने में आमतौर पर 79.8 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन मौसम विभाग ने जानकारी दी कि अब तक राज्य में 102.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बताया गया कि सबसे ज्यादा बादल मंडी जिले में बरसे, वहां इस महीने एक दिन पहले तक 275.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मंडी के बाद उसके आसपास के जिले हैं, जैसे सोलन में 211.5 मिलीमीटर बारिश हुई, सिरमौर में 187.8 मिलीमीटर, कांगड़ा में 187.3 मिलीमीटर और हमीरपुर में 171.2 मिलीमीटर बरसात हुई। ऊपर से मौसम विभाग साफ साफ कह चुका है कि आने वाले 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं रुकने वाली। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो हिमाचल में पहाड़ खिसकने की आशंका है, जिसका मतलब है कि इन दोनों राज्यों में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। मॉनसून के 5 दिन पहले पहुंचने से ये दोनों राज्य बेहाल हैं, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड पहाड़ी इलाकों में होने का संभावना रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि बारिश की वजह से दिल्ली में अधिकतम तापमान में कमी हो सकती है और अगले 5 दिन तक ये गिरावट जारी रहेगी। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए और फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। पहाड़ से मलबा इस तरह से आ रहा था मानो पहाड़ों के बीच पत्थरों की कोई नदी उतर रही हो। सड़क पर मलबा इकट्ठा होने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। गनीमत यह रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हालांकि मानसून के पहले आने की वजह से वहां कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद उत्तराखंड की कई नदियां और नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, जमौली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट कर दिया गया। लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सभी को तैयार रहने को कहा है। 3 दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद राज्य में 40 से ज्यादा जगहों पर पहाड़ खिसकने से सड़कें बंद हो गई। उधर गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड ने समंदर के बीच से एक निजी जहाज के कैप्टन का रेस्क्यू किया। बताया गया कि पोरबंदर से निकलने के कुछ देर बाद ही उस कैप्टन को बीच समंदर में दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को दी गई और खराब मौसम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां भेज दिया, जिसके वहां पहुंचते ही उस कैप्टन को एयरलिफ्ट कर पोरबंदर लाया गया और समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच गई। बताया गया कि जिस वक्त कैप्टन को दिल का दौरा पड़ा उस वक्त वो जहाज पोरबंदर से करीब 90 किलोमीटर दूर ही पहुंचा था। इस बीच राजस्थान के कोटा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदी से निकलकर एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया। उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि भीड़ देखकर वो मगरमच्छ उन लोगों की तरफ दौड़ने लगा जो आसपास जमा हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई और कई घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। बाद में उस मगरमच्छ को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। इससे पहले भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे वो मगरमच्छ नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में आ गया और सड़क पर आने के बाद वो एक कार के नीचे छिप गया। जैसे ही इसका पता वहां के लोगों को चला, उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उस मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान चलाया गया। उधर राजस्थान के उदयपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां मकान ढहने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक रोज पहले उदयपुर शहर में इतना पानी बरसा कि चारों तरफ पानी भर गया था और शहर में श्रीनाथ जी मंदिर के पास एक पुराने मकान का हिस्सा ढह गया। मलबे में दबकर एक मासूम और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक महिला घायल भी हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन मकान के दूसरे हिस्से को भी बुलडोजर से गिरा दिया ताकि कोई और हादसा न हो। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी थी। इधर देश की राजधानी दिल्ली में करंट लगने की वजह से 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। घटना 25 जून की बताई गई। इससे ठीक एक दिन पहले 24 जून को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से 38 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। और इस घटना के एक रोज बाद ही दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में एक बार फिर करंट लगने से 17 साल के एक लड़के की जान चली गई। मरने वाले लड़के का नाम सुहेल बताया गया, जो अपने एक रिश्तेदार के घर घूमने आया था। ये घटना तब हुई जब वो सुबह करीब 5 बजे पानी से भरी एक गली से गुजर रहा था। बताया गया कि पानी के अंदर बिजली का तार गिरा था, जिसमें करंट दौड़ रहा था और जैसे ही सुहेल ने पानी में पैर रखा उसकी करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां रहने वाले लोगों ने सियासी दलों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली।
पे अक्सर पानी आता है सर, हमारे लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है, चाहे इसमें बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम पार्टी हो। इसी तरह दो दिन पहले भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साक्षी नाम की महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी।